एवरीवन, स्वागत है राइट टू एजुकेट चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में और इंडिया में क्यों जरूरी है पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल को लाना एंड इन द लास्ट अ फंडामेंटल राइट दैट इज राइट टू प्राइवेसी। तो आज 5 बिलियन से ज़्यादा लोग व्हाट्सएप को डाउनलोड कर चुके हैं, लेकिन प्राइवेसी पॉलिसी के मैसेज के बाद बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप को डिलीट कर दिया और दूसरी सोशल मीडिया ऐप्स लाइक टेलीग्राम और सिग्नल पर शिफ्ट हो गए। एक हफ्ते के अंदर अंदर सिग्नल पर 75 लाख से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। इसलिए सब स्टार्ट कहाँ से हुआ? 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीदा था। तो फेसबुक और व्हाट्सएप दोनों ही कहीं ना कहीं आपके डाटा को यूज़ करते हैं, लेकिन अब फेसबुक ने ये बोला है कि अब व्हाट्सएप का डाटा फेसबुक भी यूज़ कर सकता है। तो लोगों को लगता है कि उनकी पर्सनल मैसेजेस, उनकी प्राइवेट इमेजेस, ये सब डाटा भी शेयर किया जा सकता है। बट नहीं, ये सब डाटा, आपका पर्सनल चैट सब एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहता है। तो बेसिकली एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता क्या, किसी को मैसेज किया तो वो मैसेज एक कोड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वही बंदा इसको डीकोड कर पाएगा जिसको वो मैसेज भेजा गया। बीच में कोई सर्वर इसको नहीं देख सकता क्योंकि ये कोड में कन्वर्ट हो जाता है और ये मैसेज पहुंचते ही उस सर्वर से ये कोड हट जाता है। और अगर ये मैसेज 30 दिन के अंदर अंदर नहीं देखा गया तो सर्वर से ऑटोमेटिकली ये कोड वहाँ से भी डिलीट कर दिया जाता है। तो अब व्हाट्सएप हमारी कौन सी चीज़ें देख सकता है बेसिकली, मॉडल लाइक हम कौन सा फ़ोन यूज़ करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी स्क्रीन पर क्या है, बैटरी लाइफ कितनी है, सिग्नल स्ट्रेंथ कैसा है, टाइम जोन हम किस टाइम जोन में रहते हैं, आईपी एड्रेस जिससे वो हमारी आसपास की लोकेशन अप्रोक्सीमेशन पता लगा सकता है, हमारी प्रोफाइल पिक्चर, व्हाट्सएप का स्टेटस क्या है, व्हाट्सएप पे नेम क्या है एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो भी हमारे व्हाट्सएप में है, उनकी प्रोफाइल पिक्चर, उनके नेम, उनका स्टेटस, ये सारी चीज़ें व्हाट्सएप जान सकता है और ये सब डिटेल्स वो फेसबुक के साथ भी शेयर कर सकता है। और व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी में कहा गया है कि अगर व्हाट्सएप ना अपना डाटा फेसबुक को देगा बल्कि फेसबुक से एसोसिएटेड अगर कोई थर्ड पार्टी भी होगी जो फेसबुक की सर्विसेज यूज़ कर रही होगी तो ये डाटा उनके पास भी जा सकता है। अगर आप किसी व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट के साथ चैट कर रहे हैं तो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड वाली चीज़ यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। और इस व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट में कितने भी लोग हो सकते हैं जो आपके डाटा का यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। बेसिकली अगर कोई भी थर्ड पार्टी व्हाट्सएप पर अपना अकाउंट बना कर रखती है और आप उनसे चैट कर रहे हैं तो आपके मैसेजेस का वो यूज़ कर सकती हैं अपने फ़ायदे के लिए। और अगर हम किसी से व्हाट्सएप पर बात करते हैं तो सिग्नल स्ट्रेंथ तो उन्हें ऑलरेडी पता रहती है कि जब भी तो लिखा था कि पुअर कनेक्शन या रीकनेक्टिंग, और उनको हमारा बैटरी लेवल भी पता रहता है। इसीलिए अगर हम किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रहे होते हैं तो लिखा जाता है कि बैटरी लो। सर अगर हम ट्विटर की बात करें तो ट्विटर ये पता लगा सकता है कि हम कौन से फ़ोन से ट्वीट कर रहे हैं, लाइक इधर नितिन गडकरी जी ने ट्वीट करा एंड्रॉयड फ़ोन से और इधर राजनाथ सिंह जी ने ट्वीट करा आईफोन से। तो बेसिकली व्हाट्सएप जो कर रहा है वो कुछ नया नहीं है, बस हमारी नज़र इसलिए जा रही है कि हमें किसी ना किसी तरीके से वो बता रहा है। वरना बहुत सारी ऐप्स तो ऐसी हैं जो बिना मंजूरी के हमारा डाटा एक्सेस कर लेती हैं। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर साइबर सिक्योरिटी ने बोला है कि ये भारतीयों की निजता की सुरक्षा का उल्लंघन करती है। सिंपल सोल्यूशन यही निकलता है, या तो हम व्हाट्सएप को डिलीट कर दें, या फिर हमारे इंडिया में डाटा प्रोटेक्शन बिल आ जाए जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, या फिर हम किसी ऑल्टरनेटिव साइट्स पर शिफ्ट हो जाएं, लाइक हियर इज अ कंपैरिजन बिटवीन व्हाट्सएप, सिग्नल और टेलीग्राम। तो तीनों ही एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। टेलीग्राम पर सीक्रेट चैट्स और कॉल इनक्रिप्टेड होती हैं, डिसअपियरिंग मैसेज तीनों में अवेलेबल है, चैट बैकअप्स व्हाट्सएप पे थर्ड पार्टी पर बैकअप होता है, सिग्नल पर बैकअप का ऑप्शन ही नहीं है, टेलीग्राम पर है, टेलीग्राम क्लाउड पर होता है, स्क्रीन लॉक तीनों में अवेलेबल है, एडवर्टाइजमेंट किसी पर नहीं दिखाया जाता, ग्रुप चैट सिक्योरिटी टेलीग्राम पर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड नहीं है और दोनों पर है, और वीडियो और वॉइस कॉल तीनों पर अवेलेबल है। तो यूरोप में व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता क्योंकि वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लॉ एग्जिस्ट करता है। तो इंडिया की गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए कि हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग डाटा प्रोटेक्शन कानून बनाना कितना ज़रूरी है। तो एक पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 में, जिसका ड्राफ्ट वीएन श्री कृष्णा ने सबमिट किया था, इन्होंने बताया बिल को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा, दैट इज़ पर्सनल डाटा, सेंसिटिव पर्सनल डाटा एंड क्रिटिकल पर्सनल डाटा। पर्सनल डाटा इज़ बेसिकली जिससे हम किसी भी बंदे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लाइक उसका नाम, एड्रेस, उसके ट्रेट्स, एट्रीब्यूट्स एक्सेट्रा। सेंसिटिव पर्सनल डाटा इज बेसिकली जिसमें हमारा पासवर्ड, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन, हमारी हेल्थ, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, बायोमेट्रिक, ये सब चीज़ें आती हैं।
क्रिटिकल पर्सनल डाटा इज बेसिकली जो गवर्नमेंट इंडिया में स्टोर करती है और इंडिया में ही उस डाटा को प्रोसेस करती है, लाइक हमारा मिलिट्री और नेशनल सिक्योरिटी डाटा। तो इस बिल में एक टर्म यूज करा गया दैट इज डाटा फ्यूडिशरी, जिसका मतलब मान लो जैसे गूगल, फेसबुक और इवन स्टेट अगर हमारा डाटा प्रोसेस करते हैं तो उनको रीजन देना पड़ेगा कि वो हमारा डाटा क्यों यूज कर रहे हैं। तो इस बिल के अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज दोनों को इंक्लूड किया गया, बट उन पर रेगुलेशन और अकाउंटेबिलिटी थोड़ी अलग हो गई। एक टर्म और यूज़ करा गया दैट इज़ राइट टू फॉरगॉटन, जिसका मतलब है कि जैसे मान लो अगर आपने अपना डाटा फेसबुक या गूगल को दिया और आप चाहते हो कि अब वो आपके डाटा को यूज़ ना करें, तो आप उनसे ये बोल सकते हो कि हमारे डाटा को डिलीट कर दिया जाए। तो ये कानून बनने के बाद आप किसी भी कंपनी को बोल सकते हैं कि हमारे डाटा को डिलीट कर दे। डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अगर ये बिल पास हो जाता है तो इसके बाद एक डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई जाएगी। ये बेसिकली रेगुलेट करेगा कि लाइक फेसबुक या गूगल गलत तरीके से हमारा डाटा को कलेक्ट तो नहीं कर रहे या फिर किसी पार्टी को तो नहीं बेच रहे जिससे हमारा डाटा मिसयूज हो सकता है। तो डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी का काम है कि वो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखेगा, चाहे तो उन पर कुछ पेनल्टीज भी लगाई गई हैं। लाइक फर्स्ट वन इज इफ अ डाटा फ्यूडिशरी डज नॉट फॉलो थ्रू इन कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, लाइक अगर हमारा डाटा ठीक तरीके से प्रोसेस नहीं किया जाता या फिर किसी और को बेचा जाता है तो उन पर 5 करोड़ का फाइन या फिर 2% उनकी वर्ल्ड वाइड टर्नओवर का जो भी ज़्यादा होगा वो चार्ज किया जाएगा। एंड नेक्स्ट इज अगर वो हमारे पर्सनल या पर्सनल सेंसिटिव डाटा को किसी और को देते हैं या उसका ठीक तरीके से यूज़ नहीं करते तो उन पर 15 करोड़ का या फिर 5% उनकी वर्ल्ड वाइड टर्नओवर का फाइन चार्ज किया जा सकता है। अगर इस बिल को पास किया जाता है तो हमारा डाटा मिसयूज होने से बच सकता है और गवर्नमेंट को भी ज़रूरी है कि वो इस बिल पर विचार करे। हम बात करें कि इस बिल की शुरुआत हुई कहाँ से थी, तो 2015 का केस पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से हुई थी। आर्टिकल 12 से 35 पार्ट 3 के बीच हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं, इसी में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू प्राइवेसी को ऐड किया। राइट टू प्राइवेसी बेसिकली कि कोई हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करे, ना ही कोई हमारे पर्सनल डाटा को यूज़ कर सकता है। तो इसी केस को देखते हुए लोगों को प्राइवेसी का महत्व समझ आया और अपनी प्राइवेसी को लेकर वो जागरूक हुए। तो इसी प्राइवेसी को देखते हुए पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल लाया गया था, जो आज के समय को देखते हुए बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट उस बिल को पास करे ताकि लोगों की प्राइवेसी के साथ कोई खिलवाड़ ना कर सके। दैट्स इट फॉर टुडे। And if you find this video informative, please hit the like button, share it and subscribe the channel. Thank you.